तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट इन सर्वाइवल मोड। तो जो जैसा कि जो है आपने देखा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है अपना मतलब कि अच्छा सा विलेज जो ढूंढ लिया था, लेकिन इस विलेज में जो इतना ज़्यादा मुझे खास कुछ मिला नहीं, इसलिए जो है मैंने अपना घर पे नहीं बनाया था। लेकिन आज जो है मैं फार्मिंग करने वाला हूँ, जैसे कि आपने मतलब कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मैं आज फार्मिंग करने वाला हूँ। और जो है मैंने इधर दो चेस्ट रखी है, लेकिन एक चेस्ट और इसका कोई मतलब नहीं है, और इधर डर्ट लगा दिए पता नहीं क्यों, और इधर जो हमारा टेबल है और इधर ये फर्नेस है। तो मतलब कि क्या करने वाले, तो फार्मिंग करने वाले। तो फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले ये सीड्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने जो सीड्स करेक्ट कर लिए, और इसको हम जो इधर 23 और 64 सीड्स मतलब कि सीड्स है, तो इसको जो हम उगाने वाले हैं ज़मीन में। लेकिन उससे पहले जो है हम अच्छा सा जो है एरिया कवर कर ले, ताकि हम जो है फार्मिंग कर सके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरिया काफ़ी ज़्यादा मस्त है, लेकिन इधर जो है दो ब्लॉक छोड़ के इधर से फार्मिंग स्टार्ट कर लेगी। और आप सोचोगे कि मेरे पास वाटर बकेट कहाँ से आया, तो जो है इधर जो है मेरे मतलब कि इधर जो है केव थी वहाँ से आया। इधर जो है केव है, इधर मैं अंदर माइनिंग करने के लिए गया था थोड़ी देर मतलब कि थोड़ा, और मुझे जो आयरन मिल चुके थे इनफ जिससे मैं बकेट बना सकूं, मतलब कि वाटर बकेट बना सकूं। और इसमें जो है मैं सबसे पहले तो इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लेता हूं, ताकि जो हमें बार बार उस नदी में रिवर में पानी जो है लेने ना जाना पड़े। तो सबसे पहले तो हम चार बार खड्डा कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली जो है मैंने चार बार का खड्डा कर लिया है। अभी जो है हम वाटर डालते हैं, तो एक कोने से वाटर डालेंगे, और हम जो दूसरा ले आते हैं सबसे पहले। और भाई ये रिवर को जो है हमको बार बार ना जाना पड़े, इसलिए जो है मैंने इधर इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लिया है। तो आपको भी जो है ऐसे इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाना है, तो चार बार चार का खड्डा करना पड़ेगा, और जो है आपको उसमें वाटर बकेट फिलअप करने है, मतलब कि उसमें डाल देनी। तो इस साइड जो मैंने कर दिया था अभी इस साइड से, तो ये हो गया हमारा वाटर बकेट सोर्स। लेकिन ये हो गया यस, तो ये हमारा वाटर बकेट इन्फिनिटी वाटर बकेट सोर्स रेडी हो चुका है। और अभी सबसे पहले तो हमें जो है मैंने जो है आप देख रहे हो, आपको कुछ चेंजेस लग रहे होंगे कि इधर जो है सब कुछ प्लान हो चुका है। तो मैंने रात को ही जो है मैंने इधर सब कुछ प्लान कर दिया था सवल की मदद से, और इधर घास फूस जितने भी थे जो मैंने सीड्स कलेक्ट कर लिए थे, और 64 सीड्स आ चुके हैं हमारे पास अभी। ठीक है, तो अभी जो है दो ब्लॉक छोड़ के, और भाई विलेजर भी क्या है परेशान कर रहा है। तो अभी जो है हम दो ब्लॉक छोड़ के इधर जो है फार्मिंग स्टार्ट कर लेते, तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। ये हमारा हो गया 10 रो, मतलब कि 10 ब्लॉक्स के रो। और अभी जो हम एक ब्लॉक्स छोड़ के दूसरी मतलब कि तीसरी रो में अपना काम शुरू करेंगे। तो एक, दो, चार, सात, आठ, नौ, दस। ये हमारा हो गया 10, और इसको जो है मतलब खड्डा करना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही कर लेंगे खड्डा। ये जो है 10, फिर जो हम लोग इधर खड्डा कर लेते हैं। फाइनली गाइस, जो मैंने इधर खड्डा कर लिया है, अभी जो हम एक साइड से वाटर बकेट डालेंगे। तो ये हो गई हमारी एक साइड से वाटर बकेट, एंड दूसरी साइड से हमें जो है डालनी है वाटर बकेट इस साइड से। और ये क्या भाई, भाई पानी खत्म हो गया है भाई, तो पता नहीं क्या होगा, कुछ क्लिच हो चुका है। तो अभी इधर से जो पानी लेके हम जो इस साइड से पानी डाल देंगे, और इस साइड से पानी ले लेंगे एक बार। तो अभी जो हमारा इस साइड से एक बार पानी डाल देंगे, और उसके सामने वाली साइड से लेना है, ना कि साइड से। तो ओके, तो इस तरह से कुछ इन्फिनिटी वाटर सोर्स हमारा काम करता है। तो अभी जो अपना ध्यान रखेंगे कि जिस साइड में हमने जो पानी डाला उसके सामने वाले से लेना है, मतलब कि इस साइड से डाला और इस साइड से डाला। तो इधर से उधर से नहीं डाला है, तो उधर से पानी नहीं लेना है, तो इधर से लेंगे। और आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी वाटर सोर्स बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। और अभी जो है इस साइड से नहीं लेना है, सामने वाले साइड से लेना है। और अभी जो है हम जो है सब कुछ मतलब कि जो गड्ढा है उसको पूरा का पूरा फिलअप कर लेते हैं, मतलब कि जो इधर पानी काफ़ी ज़्यादा कम है, इधर से ज़्यादा नहीं है और इधर से भी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह जो बीच में खाली रह गया है, तो इसको हम एक बाल्टी फिलअप कर लेंगे, मतलब एक बाल्टी डाल के हम जो है फिलअप कर लेंगे। और आपको जो है इन्फिनिटी वाटर सोर्स था, तो
भाई मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और नहीं पता था तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो। खैर ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हमारी जो ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, तो फिर से जो हम वही मारेंगे। और ऐसे करने पर जो हमारी ज़मीन में पानी चला जाता है, लेकिन मतलब कि हमारी ज़मीन जो है इधर, हम जो इधर सीड्स उगा सकते हैं, तो अभी जो एक स्टेप खड्डा कर लेगा, मतलब 2000 years later। तो फाइनली गाइस जो मैंने एक रो में खड्डा कर लिया है, और हमारे मतलब कि इधर हमें जो है अभी पानी डालना है। सबसे पहले तो हम जो पानी ले आते, ओके, तो मैंने पानी ले लिया है, और इधर जो अंदर डाल देते एक रो में, मतलब कि हो गया हमारा। इधर जो है मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी है, तो इसको जो है कैरी करते, और मैं आपको जो है ऐसे 6 रॉ बना के आपको बाद में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप जो ये वीडियो कैंसिल कीजिए। One eternity later. तो फाइनली गाइस जो मैंने 6 रॉ बना दिए, जिस पे हम जो अपना सीड्स उगाने वाले हैं, और जो मैं आज शुगर कैन की भी फार्मिंग करने वाला हूँ, और पोटैटो की भी फार्मिंग करने वाला हूँ। और शुगर कैन तो वैसे भी जो है मैं घूमता रहता हूँ, तो मुझे जो है मतलब कि रिवर के आसपास मिल ही जाता है हमेशा। और आप भी ये ध्यान में रखना कि आपको जो शुगर कैन लेना हो तो रिवर के आसपास ही मिल जाएगा, मतलब कि जहाँ नदी होती है वहाँ। और अभी जो बोलते हैं अपना काम शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फाइनली गाइस जो मैंने सीड्स को बो दिया है, और जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन जो है मैंने अपने खेत के लिए बनाई थी, तो 64 हमारे पास थे, हमारे पास जो है 4 बज चुके हैं अभी। और अभी जो हम एक काम करने वाले हैं कि इसके मतलब कि ये हमारा हो गया है रेडी, तो अभी जो हम शुगर कैन फार्म बनाने वाले, तो उसके लिए हम जो है हम जो है इधर इसके जैसा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट की। तो वो शुगर कैन फार्म जो है हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाइन में रूप में। तो अभी जो है 2 ब्लॉक छोड़ के इधर एक काम कर देते, डर्ट लगा देते, तो जो मैं इधर 5, 5 नहीं 8, 8 की डर्ट लगाने वाला हूँ। तो इधर जो है 1, 2, 3, 4 और मेरा हो गया 5, और 6 लगा देते, मतलब कि 3 रॉ बन जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ओके कंप्लीट, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया हमारा कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, ओके कंप्लीट। इधर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
फार्म रेडी करने वाले हो भाई विलेजर भाई प्लीज तू हट जाइए प्लीज में मत आइए वरना मैं तेरी गंदी कुटाई करने वाला हूँ। वैसे भी जो है हट ही जाएंगे और ये बेचारे को हमें कुछ कहते भी नहीं है तो हम जो है हमारी चेस्ट से 30 शुगर कैन ले लेते हैं और उसको वो देते और लेकिन जो है शुगर कैन बोने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो है इधर ऐसी वाली जो घास उगे उस जगह हम अपना शुगर कैन जो है बो सकते हैं। लेकिन घास उगाने से पहले मतलब कि घास उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो उसमें जो इधर जो हमने जगह छोड़ी है वहाँ हमें पानी लगाना पड़ेगा मतलब कि पानी को डालना पड़ेगा ताकि जो है ग्रीन घास आ जाए। और एक रो में तो भाई मतलब कि पानी डाले बिना ही जो है ग्रीन कलर की घास उग चुकी है अभी और घास ग्रीन कलर की होती है भाई मैं अभी क्या तो अभी जो धीरे धीरे
पानी डाल देते हैं चारों तरफ से, जितने भी लाइन है कड़ा डाल देते हैं। और हमारा जो है सीड्स भी उगने को आया है बहुत ही ज़्यादा, और हमारे हमको पोटैटो की फार्मिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी मतलब कि इधर फार्मिंग कर लेंगे, और कैरेट की फार्मिंग करनी है लास्ट। तो हमें जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है विलेजर के फार्म से चूरा लेके, और भाई विलेजर को कैसे पता चल जाएगा। 2000 years later. तो फाइनली गाइस मैंने शुगर के फार्म के लिए भी पानी का सब कुछ रेडी कर दिया है, और जिधर जिधर मतलब कि जिधर ये जो ग्रीन घास उग चुकी है वह अपना जो हम शुगर कैन लगा देते हैं। और भाई लोग मैं कह रहा था कि अपना अलग घर भी बनाने वाले अच्छा सा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस वाले एरिया में बना लिए अपना घर, लेकिन हमें जो है मिट्टी जो है सही करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले एपिसोड में शायद से बना लेंगे, कंफर्म नहीं कह रहा, शायद से कर ही लेंगे। तो हमारे पास जो 5 शुगर कैन है बचे कुछ, तो उसको भी लगा देते, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। हमारे पास अभी 3 बाकी है, और इधर तो 3 तो वैसे भी इधर रह चुकी है, एक इधर रह चुकी है, तो हमें जो शुगर कैन की कमी पड़ चुकी है। लेकिन अभी जो है हमारा नेक्स्ट मिशन रेडी कर लेते हैं, मतलब कि पोटैटो की फार्मिंग कर देते हैं। तो पोटैटो पे जो है वी सीड्स की तरह उग जाते हैं, जैसे कि ये पोटैटो साइड से, और भाई आयरन गोलम आ रहा है उसके सामने, तो भाई बदमाशी नहीं करेंगे क्योंकि डरता है ना काफ़ी ज़्यादा भाई। दो तीन पंच में जो है आपको पहुँचा देता है, तो इसको इसके साथ बदमाशी नहीं करनी चाहिए। और ये हमारा हो गया 28 पोटैटो, और आपको जो बैकग्राउंड में आ रहा है तो भाई उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि जहाँ मेरा रूम है ना वही साइड में रोड है, तो आपको शायद से बैकग्राउंड में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पता, आ रहा है तो भाई कमेंट करके बता देना ताकि मुझे पता चल जाए कि बैकग्राउंड में आ रहा था। और भाई पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो प्लीज़। और भाई ये विलेजर देखो भाई कह रहा है कि तो भाई हमारा कॉम्पिटिटर आ चुका है, और भाई इधर आए भाई बच गए, वरना भाई मैं आयरन गोलम को मारने वाला था, लेकिन थोड़ी सी डर्ट ले लेते हैं। और जो मैं कह रहा था कि जो पोटैटो है वो इससे मतलब कि जो है ऐसे उगते, ऐसे वाले जो इधर सीड्स बोए भाई, तो इसके सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा उग चुके भाई, लेना नहीं है तुझको। तो हम जो अपना काम करते हैं कि हम जो है पोटैटो का फार्म, हमारे पास 25 टोटल पोटैटो है, तो हमको जो है मतलब कि 2 लाइन ही पोटैटो की बना देंगे, ऐसी 10 की, मतलब कि ऐसे 10 बाई 10 की, तो इधर 10 रॉ बना देंगे अभी तो। लेकिन सबसे पहले और अभी हमें रोज ही मुझे जहाँ तक पता है कि हम जब भी विलेजर को मतलब कि जब भी विलेजर से उनको जो भेड़ करवाने मतलब कि बच्चे वाला करवाने होते हैं उनको पटाना चाहिए, तो अभी जो है अब फिर से जो है प्लस सवाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, डॉक्टर अपने आसपास काट लेते हैं, और हम जो अपना बकेट लेके बड़े बच्चे बन के आ जाएंगे, और जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कि मैं कह रहा कि जो है हमारा 4x4 का इन्फिनिटी वाटर सोर्स काफ़ी हेल्पफुल है, जो पानी लेने जाना पड़ता है इधर से पानी ले चुका है जाता है हमारा कुछ कंप्लीट। और इधर जो है हुई मार के रेडी करना है, तो इधर एक बार 7, 8, 9, 10 हो गया कंप्लीट। अभी जो इधर पोटैटो की फार्मिंग करनी है, लेकिन जहाँ जो गीली मिट्टी हो चुकी है वही हम पोटैटो की फार्मिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा पोटैटो लग रहा है धीरे धीरे, जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा, और
कंप्लीट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और इधर जो है इधर गीली मिट्टी हो चुकी है भाई, हम उगाने के जल्दी से। तो थोड़ी देर जो है देखते हैं कि गीली मिट्टी हो जाए क्या। और इधर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है मेरे भी। तो हमारे इधर जो हमारे फार्मर शुगर कैन काम कर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है फिर से शुगर कैन उगेगा उससे जो है हम लगा देंगे। लेकिन अभी तो जो है हमारा पोटेटो फार्म का कुछ देखते कि इधर जो है गीली नहीं हो रही है हमारी मिट्टी पैदाने की। हमने जो काम तो काफ़ी ज़्यादा मस्त किया है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन गाइस चिंता मत करो। तो आज के मतलब कि आज के वीडियो में हमने जो है काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग कर दी है, और पोटैटो की फार्मिंग और इधर जो है सीड्स की फार्मिंग की है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। लेकिन हमारा जो शुगर कैन फार्म है वो काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो जरूर से भाई कमेंट करके बताना। और जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अगर आपको जो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो गाइस, ठीक है। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको जो है कैसा लगा आज का वीडियो वो बताओ।